नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के सदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर में जुगाड़ गाड़ी चलाने के क्रम में एक किशोर की मौत के मामले को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को करीब एक घंटा तक रोड जाम कर जमकर हंगामा किया। मृतक की पहचान दरियापुर निवासी विकास दास के 15 वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार उर्फ ऋषि के रूप में हुई है, जो 9वीं कक्षा का छात्र था। वहीं जुगाड़ ठेला चालक विकास के साथ जा रहे राजेंद्र कुमार ने घटना को लेकर बताया कि सदौर थाना क्षेत्र के हरनाथपुर निवासी सुनील मंडल मंगलवार की सुबह पीयूष को टेंट हाउस में काम करने की बात कहकर लेके गया, लेकिन मृतक पीयूष उर्फ ऋषि को जुगाड़ गाड़ी चलाने नहीं आता था। बावजूद इसके जुगाड़ ठेला चलाने दे दिया गया। बताया जा रहा है कि सुनील मंडल ने पीयूष को टेंट हाउस का सामान लोडिंग करने के लिए कहा था, लेकिन गाड़ी चलाकर जाने के क्रम में हरनाथपुर बगीचा के पास जुगाड़ गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी चपेट में आकर पीयूष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद टेंट हाउस के मालिक सुनील मंडल मौके पर पहुंचकर इलाज के लिए घायल पीयूष को मायागंज अस्पताल ले जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही जुगाड़ चालक की मौत हो गई, जिसके बाद सुनील मंडल मृतक के शव को छोड़कर फरार हो गया। वहीं इसके बाद मृतक के दोस्त और ऑटो चालक ने शव को पीयूष के घर दरियापुर गांव पहुंचा दिया। इधर इस घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने दरियापुर चौक को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं रोड जाम की जानकारी मिलते ही सदौर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझा कर जाम को हटवाया गया। सुनील लेके गया मोटरसाइकिल, आप लोगों को घटना का मतलब जानकारी कब हुआ? 11 बजे। 11 बजे क्या जानकारी मिला? हमको जानकारी यही मिला कि सीरियस है। अच्छा, सीरियस से बोला क्या ले गया वहाँ भागलपुर विश्व स्थल के पास, बोला कि वहाँ ले गया। आखिर सीरियस कैसे हुआ, किस मतलब क्या आपको घटना में क्या बतलाया? वो बोल रहा है कि गाड़ी जो जनरेटर वाली गाड़ी था, डीजे जो लगाता था, उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। ये मतलब काम करने कहाँ गया था? कहीं नहीं, काम करने का, काम करने वाला नहीं था। नहीं नहीं, मतलब जो लेके गया था डीजे बजाने, कहाँ लेके गया था? यही है लड़का, इसको सर पूछिए, ये सब बताएगा। जोर से बोलो, कहाँ गया था लेके जुगाड़ गाड़ी लेके, कहाँ गया था? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कहाँ पे गया था काम करने? दिन में क्या चीज का काम था? टेंट का काम। फिर घटना कैसे हुआ? जा रहे थे घर पे, आया बुलाने के लिए। हाँ, कौन आया? किशोर, टेंट वाला। क्या नाम? मतलब नाम कौन, नाम क्या है? सुनील, सुनील। अच्छा, तो जो आया बुलाने के लिए, तो क्या फिर हुआ उसके बाद? बोलो, गाँव से उठा के लग गया, बाद दल कर गाड़ी चलाए लो। हाँ, कौन सा गाड़ी था? छकड़ा था? उड़िया। फिर पलटी मारी। भागलपुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने मंगलवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें महापौर ने नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर द्वारा नगर निगम और स्मार्ट सिटी के विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों और टेंडर से जुड़ी जानकारी उन्हें नहीं देने की बात कही। महापौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नगर निगम द्वारा निकाले गए टेंडर में कई विसंगतियों और खामियां पाई गई है और नगर आयुक्त द्वारा उन्हें इस टेंडर से जुड़ी कोई जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई। मेयर ने कहा कि जनता ने उन पर शहर के विकास के लिए चुनकर भेजा है और नगर निगम द्वारा चलाई जाने वाली हर योजनाओं और विकास कार्यों से जुड़ी जानकारी उनसे और पार्षदों से साझा की जानी चाहिए, लेकिन नगर आयुक्त द्वारा उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती है, जिससे कई बार कार्य में विसंगतियां भी सामने आती है। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि नगर निगम द्वारा सरकार या निगम का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी देने के साथ सभी को साथ लेकर कार्य को आगे बढ़ाना उनका लक्ष्य है और इसके लिए प्रशासन पदाधिकारी को बिना किसी भेदभाव या टकराव के सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना अनिवार्य है, जो नगर निगम और जनता के हित में होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड में पाई गई खामियों पर सवाल खड़ा करने के बाद नगर आयुक्त द्वारा तत्काल स्टैंडर्ड को रद्द कर दिया गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी हो या नगर निगम की कोई योजना, उसमें किए जाने वाले कार्य की जानकारी उन्हें होनी चाहिए, जिससे जनता के पैसे का सही जगह पर उपयोग कर विकास कार्य किया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर, संजय सिन्हा, अर्षदी बेगम समेत सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य और कई वार्ड पार्षद मौजूद रहे। देखते हुए मैंने नगर आयुक्त से आग्रह किया कि इसको तत्काल कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए,
कल स्टैंडिंग कमेटी में हमने ये मुद्दा उठाया था, उन्होंने उस समय तो इस पर कुछ नहीं बोले, उन्होंने बस बोला कि आपको मुझे जो भी इसमें खामियां हैं तो लिख करके देना चाहिए और पहले से पता होनी चाहिए। मैं लिख करके उनको कैसे देती, क्योंकि मुझे तो कुछ वो बताए ही नहीं थे, मेरी जानकारी में कुछ था ही नहीं उनके द्वारा, तो मैं लिख करके उनको नहीं दे पाई थी। तो उन्होंने रात में इस टेंडर को कैंसिल कर दिया है जैसा कि मुझे पता चला है। और आगे मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत सारी बातें वहाँ पर रखी कल मीटिंग में कि जो भी फाइलें हैं वित्तीय निकासी हो वो मुझसे होते हुए गुजरे, मेयर से स्वीकृति लेते हुए वो गुजरे, उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ये हमारे हमें विकास से मंत्रालय से वो समझूंगा, वहाँ से कोई गाइडलाइन आएगा तभी मैं बताऊंगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो जो गाइडलाइन लेंगे क्या मेयर का कोई उसमें रोल नहीं है, मेयर को जानने का अधिकार नहीं है कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये जो विसंगतियाँ हमने पाई तो ये तो पहले दूर हो जाता जब मेरे से होकर के ये फाइल जाती या टेंडर मेरे से होकर के गुजरता, तो ये विसंगति रहती ही नहीं और इतनी बातें आती ही नहीं। भागलपुर आईएमए हॉल की ओर से हेल्थ वीक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसकी शुरुआत मंगलवार को मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर अर्चना झा, डॉक्टर अमिताभ सिंह समेत के चिकित्सक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान आईएमए भागलपुर की ओर से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया, जबकि इसके साथ ही डीएम के प्रति आभार जताते हुए चिकित्सकों ने जिले में बेहतर स्वास्थ्य को लेकर कार्य करने का भरोसा भी दिया। कार्यक्रम को जिलाधिकारी, महापौर और आईएमए अध्यक्ष और सचिव के अलावा कई डॉक्टरों ने संबोधित किया, जबकि संचालन डॉक्टर मनीष कुमार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल कोलकाता के चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑन्कोलॉजी विभाग की डॉक्टर मेघा नंदवानी ने सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन टॉपिक पर व्याख्यान दिया। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर समेत इस बीमारी के लक्षण और इलाज से जुड़ी जानकारी साझा की और समय पर जांच कराकर इससे बचाव के लिए भी जरूरी सलाह दिया। वहीं उद्घाटन सत्र के बाद कार्यक्रम के पहले दिन महिलाओं के लिए आईएमए बिल्डिंग में कैंसर डिटेक्शन एंड अवेयरनेस कैंप आयोजित किया गया, जहां महिलाओं और युवतियों की सर्वाइकल कैंसर को लेकर स्क्रीनिंग की गई। इधर हेल्थ वीक प्रोग्राम को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि भागलपुर आईएमए द्वारा अक्सर स्वास्थ्य जांच समेत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो समाज के हित में और काफी सराहनीय प्रयास है। जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर में कैंसर जैसी बीमारी को लेकर स्क्रीनिंग और अवेयरनेस कैंप लगाकर इस दिशा में कार्य किया जा रहा है और कीमोथेरेपी की सुविधा भागलपुर में भी शुरू हो गई है। डीएम ने कहा कि जेएलएनएमसीएच के साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू होने के बाद लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर सुविधा मिल सकेगी। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि हेल्थ वीक के दौरान सीनियर सिटीजन कैंप, अर्बन हेल्थ अवेयरनेस कैंप, वॉक फॉर हेल्थ, हेल्थी बेबी शो और रूरल हेल्थ कैंप आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में डॉक्टर शैलजा नंद शाह, डॉक्टर एस पी सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर बिहारी लाल, डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत काफी संख्या में भागलपुर आईएमए से जुड़े डॉक्टर मौजूद रहे। वो मैक्सिमम लोग जो है वो या तो सदर अस्पताल या इससे नीचे जो पीएससी सीएससी होती है उससे जुड़े हुए हैं या फिर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं। और अभी आपको पता है कि जो हम लोगों का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ कीमोथेरेपी की सुविधा जो है वो शुरू हो गई है और अभी रोगी कल्याण समिति से 1 करोड़ रुपए, जिसके आयुक्त महोदय अध्यक्ष होते हैं, 1 करोड़ रुपए की राशि से पूरे भवन का जो है जीर्णोद्धार, जहाँ सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है उसके लिए टेंडर भी निकाल दिया गया है और इसी महीने के अंत से वो कार्य भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो भी अपने अंतिम चरण में है और वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाने से मरीजों को भी सुविधा होगी और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स को भी अपना काम करने में जो है काफ़ी सहूलियत होगी। हर साल अप्रैल के महीने में हम लोग कई दशकों से मनाते आ रहे हैं, आईएमए भागलपुर ने ही उसकी शुरुआत की है और शायद ये इकलौता ब्रांच है जो हर साल इसको बहुत तत्परता के साथ इसको मनाता आ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जो हमारे गरीब जो हमारे अस्पताल में या प्राइवेट में इलाज नहीं करा पाते हैं या दिखा नहीं पाते हैं, उन लोगों की सेवा हम लोग उस पूरे सप्ताह में करें और इसकी शुरुआत आज से हुई है जो कैंसर डिटेक्शन कैंप है और उसमें जो भी हमारी महिला चिकित्सक हैं खास करके और जो पैथोलॉजिस्ट हैं
वो सभी लोग आज सर्वाइकल कैंसर के लिए एक स्क्रीनिंग कैंप हो रहा है और इसका प्रचार भी कई दिनों से चल रहा था। तो जो भी महिलाएं जांच कराना चाहती हैं वो आज फ्री जांच होगा, उसका रिपोर्टिंग भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से होगा। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्वी जोन कोलकाता की ओर से देश में भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन की शुरुआत की जा रही है, जो देश के कई ज्योतिर्लिंग और कई धार्मिक स्थलों पर जाएगी, जिसका लाभ देशवासियों को मिलेगा। इसको लेकर मंगलवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन स्थित अतिथि कक्ष में IRCTC पूर्वी क्षेत्र के मुख्य पर्यवेक्षक द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य पर्यवेक्षक पर्यटन मनीष कुमार और दीपांकर मन्ना ने बताया कि यह पर्यटक ट्रेन आगामी 20 मई को कोलकाता से खुलेगी, जो वर्धमान, बोलपुर, शांति निकेतन, रामपुर हाट, कहलगांव होते हुए भागलपुर पहुंचेगी, जिसके बाद यहां से यात्रियों को लेकर पर्यटक ट्रेन जमालपुर, खियुल होते हुए विभिन्न स्टेशनों से होकर उज्जैन, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचेगी। इसके अलावा ट्रेन त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, शनिधाम, शिगनापुर और साई मंदिर नासिक भी जाएगी, जहाँ श्रद्धालु दर्शन और पूजन कर सकेंगे। साथ ही मनीष कुमार ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश की संकल्पना से इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें यात्रा शुल्क में 33% की रियायत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस पूरी यात्रा के लिए स्लीपर क्लास में प्रति व्यक्ति किराया 20,060 रुपये, AC 3 में 31,800 और AC 2 में प्रति व्यक्ति 41,600 किराया देना होगा। साथ ही कहा कि इसी राशि में यात्रियों को भोजन और नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि यात्री सुविधाओं का भी ट्रेन में खास ख्याल रखा जाएगा। एक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए स्पेशल ट्रेन की योजना शुरू की गई है, इसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ये ट्रेन जो है पूरी की पूरी ट्रेन बिल्कुल ही पर्यटन के पर्पज़ के लिए और जो लोगों की धार्मिक आस्थाओं के जगह को घुमाने के लिए ये ट्रेन की यात्रा स्टार्ट शुरू की गई है। ये ट्रेन पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिए पहली ट्रेन होगी और ये 20 मई को कोलकाता से शुरू होकर भागलपुर, जमालपुर, फ्यूल होते हुए आपके ज्योतिर्लिंग की यात्रा जाएगी, जिसमें उज्जैन, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, द्वारका, सोमनाथ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, शिरडी, साई बाबा, त्र्यंबकेश्वर एवं नासिक की संपूर्ण यात्रा कराई जाएगी। फेयर को लेकर क्या है? इसमें 3 क्लास की श्रेणी रहेगी, एक इकोनॉमी जो स्लीपर क्लास की यात्राओं के लिए है, एक थर्ड AC जो स्टैंडर्ड क्लास है, और सेकंड AC जो कंफर्ट क्लास है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है, एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है, एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा, स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। एक ठेकेदार द्वारा फल दुकानदारों को जबरन बेदखल करने के विरोध में दुकानदारों के एक समूह ने भागलपुर सुल्तानगंज में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सुल्तानगंज स्टेशन रोड स्थित कृषि उत्पाद बाजार समिति के पुराने भवन में ठेकेदार द्वारा कथित तौर पर तोड़फोड़ करने के विरोध में विरोध प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। इधर विरोध प्रदर्शन के दौरान फल दुकानदार घनश्याम साह और महेंद्र चौधरी ने बताया कि कृषि उपज
मंडी बाजार समिति में 1988 से 16 दुकानें हैं और पुराने भवन को ठेकेदार के माध्यम से विभाग द्वारा तोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद दुकानदारों ने दुकान खाली नहीं किया, जबकि विभाग द्वारा पहले ही उन्हें जगह खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि दुकानदारों ने थाना अध्यक्ष, अंचल अधिकारी, SDO, DM और कृषि विभाग को लिखित आवेदन भी दिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वही दुकानदारों का कहना है कि जब तक विभाग की ओर से उन्हें दुकान आवंटित नहीं हो जाता, तब तक वे दुकान खाली नहीं करेंगे। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में दुकानदार मौजूद रहे। देखिए, हम लोग 1988 से ही ये गोदाम लिए हैं और काम कर रहे हैं, और अभी ठेकेदार द्वारा हम लोगों को यहाँ खाली करने का आदेश दे रहा है, लेकिन हम लोगों ने CEO का और DM और DM को और SDO को और पटना में कृषि विभाग को भी सूचना दे दी है, अभी तक कोई खबर नहीं आया है। हम लोग कहना है जब तक हम लोग को कोई आदेश नहीं आएगा, हम लोग कहीं जगह नहीं मिलेगा, तो हम लोग गोदाम खाली नहीं करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र चौधरी हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।